हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप जानते ही होंगे कि आज पूरा ज़माना ऑनलाइन का है। आप कोई व्यवसाय करते हैं, आपका कोई बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है, आपकी कोई MSME है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग सेंटर है या कोई शॉप है, अगर आपने अभी तक अपना बिजनेस ऑनलाइन नहीं किया है तो आप इस दौड़ में काफ़ी पीछे हो चुके हैं दोस्तों। हो सकता है आपकी सेल अभी बहुत ज़्यादा हो, आने वाले टाइम में आपकी सेल पर इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन नहीं बनाएंगे तो आपकी सेल पर डेफिनेटली इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा दोस्तों। आज ये मेरा पहला वीडियो गूगल पर है। ये गूगल पर बिजनेस लिस्ट आप कर सकते हैं। कई लोगों ने गूगल पर बिजनेस लिस्ट कर रखा होगा और उसका फ़ायदा उन्हें रेगुलरली मिलता होगा दोस्तों। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप अपने कस्टमर को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करके उनको बता सकते हैं कि आप क्या सेल करते हैं, कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उनकी क्या प्राइजेज है। इससे आपकी सेलिंग में इजाफा होने की बहुत उम्मीद रहती है। इसके अलावा आप उनको रेगुलरली अपने से कनेक्ट कर सकते हैं, रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी इसमें वेबसाइट, फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। वो छोटी सी स्मॉल वेबसाइट होगी लेकिन वो आपके बिज़नेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, यदि आप अपने वेबसाइट में कोई खर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप हमेशा उनके साथ एंगेज रहें, ऑनलाइन एंगेज रहें, कस्टमर की लॉयल्टी बनाएँ। इसके अलावा आप इसमें आपको इफेक्ट पड़ेगा कि अपने आप लोग जो हैं आपका बिजनेस फाइंड करेंगे। जैसे आप भी अभी कोई सर्च करते हैं तो राइट साइड में कॉलम में लिखा हुआ आता है किसी बिजनेस के बारे में, तो इसी तरह आपका बिजनेस भी रजिस्टर होगा तो वो वहाँ पर शो करेगा और आपके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको पूरा शो करूँगा कि आप अपना बिजनेस कैसे लिस्ट कर सकते हैं और क्या इसकी प्रोसेस रहेगी। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा लैपटॉप आप देख सकते हैं, इस पर स्क्रीन में आप देखिए गूगल ओपन हो चुका है। गूगल माई बिजनेस हम इसमें सर्च करेंगे सबसे पहले। तो गूगल माई बिजनेस सर्च करते ही टॉप पर वो आएगा। गूगल माई बिजनेस मैंने सर्च किया, ये गूगल माई बिजनेस ओपन हो चुका है। तो दोस्तों देखिए जिस तरह से ये राइट हैंड साइड में कॉलम में पूरा डिटेल आ रहा है, इसी तरह से आपका भी जो सेटअप होगा उसमें की डिटेल आपकी इसमें शो करेगा। तो कितना अच्छा लगेगा जब आपका गूगल पर बिजनेस शो होगा, इससे आपकी स्केल बढ़ेगी। तो देखिए गूगल माई बिजनेस में मैंने क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद जो ओपन होगा उस पर हम देखेंगे। ये पेज गूगल माई बिजनेस का ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट नाउ, साइन इन, इसके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं, तो देखते हैं इसके बाद क्या ओपन होता है। तो देखिए दोस्तों, एक व्हाट्स द नेम ऑफ योर बिजनेस, तो आप यहाँ पर अपने बिजनेस का नेम शो कर सकते हैं। जिस भी नाम से आपकी शॉप है या जिस भी नाम से आपका सर्विस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ अपने सेंटर का नाम है एजुहब पॉइंट, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। ये अब मेरे को सजेस्ट करेगा एजुहब पॉइंट क्रिएट ए बिजनेस विद दिस नेम। अब इस नेम से अपने बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आप देखिए डू यू वॉन्ट टू एड ए लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक ए स्टोर और ऑफिस। यदि आपको कोई स्टोर है, ऑफिस है, तो आप उसकी लोकेशन ऐड कर सकते हैं जिससे कि कस्टमर उसको विजिट कर सके। यदि आप करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें और नहीं चाहते तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने यस पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, क्योंकि लोकेशन जितनी ज़्यादा शो करेगा आपके सेलिंग की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि आपका अगर आपने बिजनेस को लोकेशन को लोकेट किया है तो ये माना जाता है कि आपका कोई ये फर्जी नहीं है, आप लीगली काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपका एड्रेस इसमें पुट करें, जो भी आपका एड्रेस है। जैसे मैंने एड्रेस डाल दिया, जयपुर का एड्रेस मैं इसमें पुट कर देता हूँ, प्रताप नगर जहाँ पर मैं रहता हूँ। सिटी में आप लिख सकते हैं, जहाँ पर भी आप सिटी जो आपकी है, पिन कोड आप वहाँ का पुट करें। स्टेट जो भी आपका स्टेट है, इसके बाद आप सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद हम देखते हैं एक नया पेज ओपन होगा जिसमें अब देखिए, वैसे मेरा ये इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है इसलिए ऑप्शन दिखा रहा है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके नाम से अगर कोई और बिजनेस होगा तो आपको नन ऑफ दीज क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो एक ही ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आप इसमें अपना इंस्टीट्यूट लोकेट कर सकते हैं, आपकी शॉप लोकेट कर सकते हैं। इसको आप लोकेट कैसे करेंगे, देखिए इसको आप मैप को जूम कर सकते हैं। जूम करने के बाद आप थोड़ा सा मैप को देखें, ढंग से चेक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो शॉप है, आपका जो भी सेटअप है, वो किस जगह पर लोकेट होता है। जैसे मैंने अपना लोकेट कर दिया, कहीं भी मैं इसको यहाँ पर लोकेट कर सकता हूँ। इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं बाद में। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट पर जाने के बाद
आप देखेंगे कि नया पेज ओपन हुआ है जिसमें पूछा गया है कि डू यू ऑल्सो सर्व कस्टमर आउटसाइड दिस लोकेशन। इसका मतलब है ये पूछ रहा है कि आपकी जिस जगह पर शॉप या सेटअप है उसके बाहर भी आप कस्टमर को सर्व करते हैं या नहीं करते हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक कर दें, यदि आप करते हैं तो यस पर क्लिक कर दें। जैसे मैं करता हूँ लोकेट यस, क्योंकि मैं कस्टमर को आउटसाइड के कस्टमर को भी इसमें सर्व करता हूँ। तो आप किस एरिया में सेलेक्ट एरिया में अपनी सर्विस सर्व करना चाहते हैं वहाँ पर आप देख लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया जयपुर, जयपुर के बाद ही पूरा मुझे सजेस्ट कर रहा है कि जयपुर राजस्थान इसमें आ जाए। ठीक है, इसके अलावा आप और भी जगह कर सकते हैं, जैसे आप राजस्थान के किसी भी सिटी में दो तीन सिटी जितनी आप चाहें उतनी आप सिटीज़ में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखिए चूज़ द कैटेगरी दैट फिट्स योर बिजनेस बेस्ट। अब आपको ये पूछ रहा है कि आपका जो बिज़नेस है वो किस कैटेगरी में है। जैसे मेरा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें कोचिंग सेंटर आ रहा है तो मैं कोचिंग सेंटर इसमें बिज़नेस कैटेगरी लिस्ट करूँगा। इसके अलावा अगर यदि आपका रेस्टोरेंट का बिज़नेस है तो यहाँ रेस्टो रेंट फूड, आपकी बेकरी है तो आप फूड बेकरी, फूड मैन्युफैक्चरिंग, आपका जो भी बिजनेस है फूड मशीनरी सप्लायर, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, वो सब इसमें यहाँ पर आता है तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, उसको आप लिखें, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका जो ऐड है वो गूगल पर शो होता है। तो मैंने कोचिंग सेंटर लिख दिया यहाँ पर, ये नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर आप पुट करें। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल इसमें ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो आई डोंट नीड ए वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप गूगल से फ्री वेबसाइट चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद गूगल आपको ऑटोमेटिकली आपकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक वेबसाइट बना कर देगा, वो नॉर्मल वेबसाइट होगी। ठीक है, जैसे मैंने उस पर फ्री वेबसाइट पर क्लिक किया है, इसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। देखिए ये मेरा फ़ोन नंबर थोड़ा गलत डाला है मैंने, जिससे कि वो आउट ना हो। इसके बाद फिनिश का ऑप्शन आएगा, फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आपका ये पूरा डेटा गूगल पर रजिस्टर हो चुका है और एक कॉलम आपका इसमें जनरेट होगा। देखते हैं फिनिश करने के बाद इसमें क्या होता है। देखिए अब इसके बाद इसने बोला है अगर आपका बिजनेस लीगल है या फिर इसकी कोई शॉप है तो ये क्या करेगा, एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से आपको मेल भेजेगा जिसमें एक कोड होगा। वो कोड आपको यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें, जैसे मैंने अपना नाम इसमें डाल दिया है। यहाँ पर डालने के बाद वो क्या करेगा, आपके पास पोस्ट कार्ड भेजेगा बाय मेल। ये आपके लगभग 12 दिन में आपके पास ये पोस्ट कार्ड पहुँच जाएगा। इसके बाद इसमें कंटिन्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये देखो ऑटोमेटिकली गूगल माई बिजनेस के आपकी ऑप्शन आ चुके हैं। क्या होगा अब देखिए, तो ये अब आप गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर हो चुके हैं, तो गेट स्टार्टेड। अब आप देखिए मैं आपको ले चलता हूँ गूगल पर दोबारा, हम देखेंगे हमारा जो रजिस्ट्रेशन हमने किया है वो हुआ या नहीं। ठीक है, एंड यू हैव पॉइंट। देखिए एजुहब पॉइंट ये जो है ये मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको अपना ओरिजिनल इंस्टीट्यूट एंड होम देखिए, ये मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, आप इसमें देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एजुहब पॉइंट इंस्टीट्यूट एंड होम ट्यूशन का मेरी फ़ोटोज़ में लगी हुई है। इसके अलावा जो मेरा मैप है वो इसमें डिस्क्राइब है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एड्रेस, आपके ओपन आवर्स,
नो दिस प्लेसेस, इसके अलावा रिव्यूज़, ये सब इसमें आएगा। इसके अलावा इसमें आपकी प्रोफाइल्स भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी प्रोफाइल फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे, सब इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपकी सेकंड वीडियो बनाऊंगा। आप इतना सा काम करें, इसके बाद आपके पास एक मेल आएगा, उसमें कोड आएगा। कोड आने के बाद वो आपको कोड इसमें पुट करना होगा, जिसे पेंडिंग वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पेंडिंग वेरिफिकेशन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक आपका बिज़नेस पे रजिस्टर नहीं हुआ है। वो कोड आएगा, कोड डालने के बाद इसमें आपका बिज़नेस रजिस्टर हो जाएगा और वो इस तरह शो करेगा जिस तरह ये मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ पर शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। मैं और भी वीडियोज़ बिज़नेस पर रिलेटेड आपकी आगे आने वाले टाइम में बनाऊँगा।